लोग कहते थे पागल है, मेंटल हो गया, इसका कोई काम नहीं होगा। हम सब हिंदुस्तानियों ने एक मन में समझौता कर लिया था कि इस देश में कोई भी सच्चा बड़ा और अच्छा काम हो नहीं सकता। एक दीवार है, उस दीवार को हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता साहब, सिस्टम तो ऐसा ही चलेगा। और हमने मान लिया था कि ये सिस्टम रूपी दीवार कभी टूटेगी नहीं, कोई तोड़ नहीं सकता, और जो उसे तोड़ने की कोशिश करता था उसको हम पागल कहते थे। पिछले 2 साल में क्या बदला है इस देश में? वो जो सिस्टम की दीवार थी उसमें से 4 ईंट नीचे गिर गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, अन्ना आंदोलन के दौरान हुआ, उसके बाद हुआ, अचानक वो दीवार में से 4 ईंट नीचे गिर गई और पीछे से रोशनी आने लग गई। ये जो रोशनी का छोटा सा झरोखा है, ये जो रोशनदान है, छोटी सी विंडो जो खुल गई है, यही वो छोटी सी आशा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इस देश में नया असंतोष है, गहरा असंतोष है, सकारात्मक क्रोध है और एक छोटी सी आशा पैदा हुई। बहुत समय बाद साधारण भारतीय लोगों को यह लगने लगा है कि नहीं, कुछ कर सकते हैं। इससे पहले क्या था, आप कहते थे मैं अकेला हूं, मैं कुछ करना तो चाहता हूं लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेला हूं। इनके साथ आप बैठे हुए, आप कहते थे मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मैं अकेला हूं। आप भी बैठे थे अपने घर में, कहते थे लेकिन मैं अकेला हूं। आज अचानक ये सब लोग मंच पे आ गए हैं और कह रहे हैं हम तो इतने सारे लोग हैं, हम अकेले कैसे हो सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ये देश के मिजाज में फर्क आया है, देश का मूड बदला है। व्यवस्था परिवर्तन से पहले लोगों का मानस परिवर्तन होता है। पिछले 2 वर्ष में ये मानस में परिवर्तन हुआ है। आम लोग जो अपने आप को बेचारा बेबस कहते थे, वो अब कहने लगे हैं कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। जो अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन था, मैंने बार बार उस वक्त भी कहा था, अन्ना हजारे के सामने भी मैंने कहा था कि यह लोकपाल का आंदोलन नहीं है, क्योंकि जो इस आंदोलन में जितने लोग गए थे उनमें से अधिकांश लोगों को पता भी नहीं था लोकपाल क्या है, वो कानून में क्या लिखा हुआ है, कानून में और सरकारी कानून में क्या अंतर है, लोगों को पता नहीं था। लोग सिर्फ इतना जानते थे कि ये लोग, ये कलमाड़ी, ये राजा, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते, ये इस देश के मालिक नहीं है, ये जो चाहते हैं उस हिसाब से देश नहीं चलेगा, हम इन्हें रोकेंगे। तो मैं कहता हूं ये लोकपाल का नहीं, ये लोकबल का आंदोलन था। बहुत समय बाद एक औसत भारतीय ने अपना लोक बल हासिल किया है कि हाँ, हम में भी कुछ ताकत है। सिर्फ नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनमें शक्ति नहीं है, जनता में शक्ति है। जनता सड़क पे आ जाए तो उसमें शक्ति है। इस लिहाज से पिछले 20 दिन में या पिछले 2 साल में ये जो जनता बार बार सड़क पे आई है, जंतर मंतर जिसका एक प्रतिबिंब बन गया है, ये जनता का सड़क पे आना लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ लक्षण है। क्योंकि सारी ताकत संसद में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, सरकारी अफसर में नहीं है, आम जनता सड़क पे आके ताकत दिखा सकती है और इन लोगों को ठिकाने लगा सकती है। ये ताकत पहली बार आई है जिससे इस देश में एक नई आशा पैदा हुई है। लेकिन इस आशा का पैदा होना अपने आप में समाधान नहीं, आशा सिर्फ आशा, आशा से कुछ होगा या नहीं ये हम अभी नहीं जानते। ये जो आशा पैदा हुई है, ये पहली बार नहीं है इस देश में कि आशा पैदा हुई है।
हर 15-20 साल बाद इस देश में ऐसी कोई घटना होती है। 1977 में कुछ हुआ था, अचानक देश में आशा पैदा हुई थी इमरजेंसी के बाद। 89-90 में अचानक देश में माहौल बदला था, कुछ आशा पैदा हुई थी। हर राज्य में अपनी अलग अलग तिथि होती है कि आशा पैदा हुई थी, लेकिन आशा की खिड़की खुलती है और जैसे ही मैंने कहा ना चार ईंट गिर गई है उस दीवार में, वो चार ईंट गिर गई है तो व्यवस्था के लोग फटाफट चूना प्लास्टर लेके उन ईंटों को बंद करने आ जाते हैं। ये आशा की खिड़की इस देश में साल 6 महीना 1.5 साल तक खुलती है, उसके बाद ये खिड़की बंद हो जाती है। तो आशा का पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सवाल ये है कि ये नई आशा क्या इस व्यवस्था को बदल पाएगी? ये जो चार ईंट गिरी हैं, ये जल्दी से क्या व्यवस्था इस चार ईंटों को बंद करके इसमें प्लास्टर कर देगी, या कि ये जो लोग सड़क पे आए हैं वो चार ईंट में से 10 ईंट और गिराएंगे, ये जो छोटा सा झरोखा बना है उसका खिड़की बनाएंगे, उसमें से दरवाजा बनाएंगे, ये फैसला होना अभी बाकी है। और इस देश के दीर्घकाल के लिए यही सबसे बड़ा फैसला है कि ये व्यवस्था की दीवार में कोई परमानेंट खिड़की या दरवाजा बनेगा या नहीं बनेगा। ये चुनौती आज हमारे सामने है। इसी चुनौती को हासिल कैसे किया जाए, ये सवाल हमें सोचना है। पिछले 20 दिन की घटना को फिर लीजिए। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि इस सारी घटना को केवल दिल्ली की एक घटना तक सीमित कर दिया जाए, उस पर मुकदमा चलाया जाए। कल परसों दिल्ली में कुछ साथियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमें एक समिति बनानी चाहिए कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। मैंने कहा आप इसमें कोई कमेटी मत बनाओ, ये तो शीला दीक्षित करवा देगी। ये तो सरकार चाहती है, सरकार चाहती है कि इस एक मामले को मॉडल बना के दिखा के ऐसा काम कर दे जिससे आप सब लोग बाकी मामलों को भूल जाए। इस एक महिला के मामले में अगले 20 दिन में, अगले 2 महीनों में सरकार इतना कुछ करेगी ताकि हर महिला जो उसके साथ प्रत्येक दिन होता है उस बात को भूल जाए। सरकार चाहती है कि इसमें कमेटी बन जाए, इस मामले की ट्रायल हो जाए, इस मामले में कॉम्पेंसेशन हो जाए, उसे सिंगापुर भी ले। तब तक वो बड़ा सवाल नहीं बनेगा, तब तक कोई ऐसा समाधान नहीं निकलेगा जो कि दीर्घकालिक समाधान हो। पिछले 20 दिन से बार बार कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं वो जो बात कह रहे हैं, मतलब ये कि किसी पार्टी की जेब में नहीं चला जाना चाहिए, वो बात सही है। लेकिन ऐसा कोई आंदोलन अपने आप को दीर्घकालिक विचार और संगठन से जोड़े, ये बहुत जरूरी है। इस अर्थ में ऐसे आंदोलन का राजनीतिकरण एक सार्थक अर्थ में बहुत जरूरी है। जिन आंदोलनों का राजनीतिकरण नहीं होता वो आंदोलन समाप्त हो जाते हैं, हवा में विलीन हो जाते हैं, उनका कोई रास्ता नहीं बचता, उनकी कोई याद नहीं बचती, इतिहास में उसका कोई अंश नहीं बचता। तो राजनीति करें तो कैसी करें, और राजनीति में क्या सफलता मिलेगी, ये 2 बात और बस मैं कहना चाहता हूं। राजनीति करें तो कैसी करें? इस देश में बहुत राजनीतिक दल हैं, किसी की भी राजनीति आप कर सकते हैं। इस देश के स्थापित राजनीतिक दलों में, स्थापित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आप चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार जाती है, सपा की सरकार आ जाती है। महाराष्ट्र में ये गठजोड़ चल रहा है, शिवसेना बीजेपी वेट कर रही है कि कभी मेरा भी नंबर आएगा। तो स्थापित राजनीति के स्थापित पर्याय हैं हमारे पास। क्या ये राजनीति है? इसमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आप सब इसका उत्तर जानते हैं।
पिछले 20 साल में सरकार बदलनी शुरू हो गई है। पहले सिर्फ कांग्रेस की सरकार चलती थी, अब सरकार बदलनी लोगों ने सीख ली है। सरकार बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन चरित्र नहीं बदलता, नीतियां नहीं बदलती। सब पार्टियां वापस आके वही काम करती हैं। मुझे बार बार याद आता है जब भाजपा शिवसेना की सरकार यहां आई थी, तो आने के पहले ही हफ्ते में उन्होंने वापस उससे समझौता करना शुरू किया था, एनरॉन से, जिसका विरोध करके आए थे उसका पहले हफ्ते में समर्थन करना शुरू किया था उन्होंने। सरकारें बदलती हैं, नीतियां नहीं बदलती इस देश में। तो स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्प से राजनीति नहीं होगी। और मैं पहले भी कह चुका हूं, राजनीति के पर्याय से राजनीति नहीं होगी। ये जो कहना है कि राजनीति मत करो, हम बहुत अच्छे लोग हैं, राजनीति नहीं करेंगे, मैं समझता हूं ऐसा क्यों कहते हैं हम कहते हैं इसलिए कि हमारे मन में लगता है कि राजनेता बहुत गंदे हैं, राजनीति की छवि बहुत गंदी हो गई है। जो लोग अन्ना आंदोलन में जुड़े, जिनको राजनीति में लाने का प्रयास हुआ है, उन सबसे हम पूछते थे और वो कहते थे नहीं नहीं राजनीति खराब है, हम और कुछ करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। बड़ी विचित्र हालत है। हम लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं, हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीति के बिना लोकतंत्र चल नहीं सकता, लेकिन हम सब राजनीति से परहेज करना चाहते हैं। इसका नतीजा क्या है? जब हम राजनीति में नहीं आएंगे तो जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जिनके पास इतना पैसा हो गया है कि अब समझ नहीं आता कि पैसे का क्या करूं, वो लोग राजनीति में आएंगे। और उसके बाद मैं और आप और शिकायत करेंगे, अरे अरे राजनीति तो और भी गंदी हो गई है। ऐसे तो नहीं चल सकता। राजनीति का पर्याय, सामाजिक आंदोलन अपने आप में अच्छी चीज है, लेकिन सामाजिक आंदोलन जब तक राजनीति के चरित्र को नहीं बदलेंगे, तब तक वो समाज में केवल छोटा काम करके चुपचाप से साइड में बैठे रहेंगे, समाज का चरित्र उससे नहीं बदलेगा। क्योंकि जिस देश काल में आप और मैं जी रहे हैं, इस देश काल का युग धर्म है राजनीति। युग धर्म मतलब हर युग में कोई एक काम होता है जिसके इर्द गिर्द वो समाज बुना होता है। जो सबसे बड़े काम होते हैं वो उसी क्षेत्र में होते हैं। आज से 500-600 साल पहले तुकाराम, नानक, कबीर का जो जमाना था, तब वो क्षेत्र था धर्म। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, राममोहन रॉय, फुले और सब लोगों का जमाना था, उस वक्त वो क्षेत्र था समाज सुधार। आज वो क्षेत्र है राजनीति। जिसने भी समाज में बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा शुभ सुंदर काम करना है, उसे राजनीति में उतरना होगा। जैसा मारुति भाई ने कहा, इस दलदल में बाहर खड़े होकर उंगली दिखाने से काम नहीं चलेगा, आपको इस दलदल में उतर के झाड़ू देके सफाई करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं। तो राजनीति के पर्याय से कुछ नहीं होगा। हमें एक पर्यायी किस्म की राजनीति करनी होगी, एक ऐसी राजनीति जो गहरे अर्थ में राजनीति हो, जो शुभ अर्थ में राजनीति हो, जो सुंदर अर्थ में राजनीति हो, जो सत्य की राजनीति हो। हमें राजनीति की छवि बदलनी होगी। यह आसान काम नहीं है। आजकल मैं कई बार टेलीविजन पे आता हूं तो लोग कहते हैं, वो एंकर शुरू में कह देता है, ये देश के अग्रणी, चिंतक इत्यादि इत्यादि हैं, लेकिन आजकल एक पार्टी से जुड़ गए हैं, क्योंकि उनके मन में अब ये लेकिन का सवाल आ जाता है, क्योंकि आप पहले शरीफ आदमी थे, आजकल कुछ घटिया काम में लग गए, ऐसी उनके मन में धारणा रहती है। मैं समझता हूं ऐसा क्यों है, पर कहीं कोई तो आएगा। कैसे हो सकता है कि समाज में जो युग धर्म हो वो इतना घटिया हो? और होता यही है कि युग धर्म में आने का और उसमें आके समाज को बदलने का विचार शरीफ लोगों को, सच बोलने वालों को बाद में आता है। सबसे पहले गुंडे बदमाश को पता लग जाता है कि कुछ भी बड़ा काम करना है पॉलिटिक्स में आना होगा। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग करनी है, बहुत पैसा बन गया और प्रॉपर्टी को बचाना है, तो पॉलिटिक्स में आना होगा।
जिसने कोऑपरेटिव के घोटाले कर लिए और पता है घोटालों से बचना है तो वो पॉलिटिक्स में आना होगा, उन सबको समझ आ जाता है, हमें आपको समझ नहीं आता। हम खड़े रहते हैं और कुछ देर के बाद कहते हैं पॉलिटिक्स ही गंदी है। ये संभव नहीं है, हमें राजनीति में आना होगा, राजनीति में आके बदलाव करना होगा, राजनीति में आके कुछ बुनियादी मूल्यों को बदलना होगा, राजनीति की छवि को बदलना होगा, राजनीति के चरित्र को बदलना होगा। क्या इस सब में सफलता मिलेगी? ये सवाल पिछले 2-4 महीने से सब लोग मुझे पूछते हैं। लोग आते हैं कहते हैं वैसे आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा हिम्मत से काम कर रहे हो, लेकिन आप सफल नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं आपके सामने। मगरमच्छ ही बोलते हैं आपके, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, सब खा जाएंगे आपको, आप लोग सफल नहीं होंगे। जब ये मैं बात सुनता हूं मुझे अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? मुझे लगता है कि एक इनकी निगाह में तो है, हम इनकी रडार पे तो हैं। इससे पहले हमारे कई साथी जानते हैं, मानव भाई वगैरह सब जानते होंगे, मैं तमाम छोटे छोटे संगठनों के साथ पिछले 20 साल से काम करता आया हूं, 25 साल से काम करता आया हूं। कभी मेरे को लोगों ने पूछा नहीं कि आप लोग असफल हो जाओगे, कभी दिल्ली में चर्चा नहीं होती थी कि मारुति भापकर अपने चुनाव में क्यों हार गए, क्योंकि दिल्ली नोटिस नहीं लेता इन चीजों का। आज कम से कम नोटिस तो लिया जा रहा है, लोग पूछ तो रहे हैं कि आप असफल हो जाओगे, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब है आशा है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आशा होती है उसी की हम चिंता करते हैं कि अरे आपको मगरमच्छ खा जाएगा। और दूसरा इसमें कुछ हमदर्दी है कि मगरमच्छ ना खा जाए, उनको मगरमच्छ बताते हैं, ये नहीं कहते कि आप गिर जाओगे कुएं में, ये कहते हैं मगरमच्छ आपको खा जाएगा, तो कम से कम वो मेरी तरफ खड़ा है। खैर वो मजाक की बात है, ज्यादा गंभीर बात जो मैं उन्हें उत्तर देता हूं, दो उत्तर है, क्योंकि लोग कहते हैं आपको चुनाव में कितना वोट मिलेगा, 2014 में आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे। मैं उन्हें यही कहता हूं, भाई ये बात सच है, लोग कहते हैं वोटर तो कास्ट पे वोट देता है, वोटर पैसा लेके वोट देता है, वोटर अपना काम निकालने के लिए रिश्वत के लिए वोट देता है, ये बात सच है, लेकिन हर 15-20 साल बाद इस देश का वोटर जागता भी है। हर एक पीढ़ी में, हर 25 साल में एक चुनाव ऐसा होता है जिसमें वोटर जाति को भूल जाता है, पैसे को भूल जाता है, तमाम चीजों को भूल जाता है और सिर्फ एक बार झाड़ू लेके वोटर आता है और सबको सफाई कर देता है। उत्तर भारत में 1977 का चुनाव ऐसा था, एक ऐसा चुनाव होता है जहां पैसे से आप कुछ नहीं खरीद सकते, लोग पैसा ले लेते हैं लेकिन वोट नहीं डालते। बहुत साल हो गए हैं, मैं कहता हूं कि ऐसे एक चुनाव का नंबर आने वाला है। मैं नहीं जानता 2014 में होगा, ऐसा झूठा वायदा मैं नहीं करना चाहता, हम नहीं जानते कब होगा, लेकिन कुछ लोग ये अवसर आएगा। सवाल है कि जब ये अवसर आएगा, जब हिंदुस्तान का वोटर झाड़ू लेके चलेगा, झाड़ू लेके इन सब लोगों को समेटेगा, तो क्या उसे कोई पर्याय अपने आंख के सामने दिखाई देगा? वो पर्याय बनाना हम लोगों का काम है, किसी का काम है भारत में, कि जिस दिन वोटर झाड़ू लेके निकले उस दिन उनको स्थापित पार्टियों के बाहर भी कुछ दिखाई दे, कुछ दिखाई दे जिससे कह सके कि अच्छा इनको हटा के मैं किसी और को लाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि भाई राजनीति की सफलता केवल चुनाव की सफलता नहीं होती, राजनीति की सफलता को केवल वोट और सीट से मत गिनिए आप। और ये बात मैं मारुति भाई को कहना चाह रहा था, आपने कहा कि हमने 92 में चुनाव लड़ा लेकिन हमें यश नहीं मिला। अब यश शब्द का हो सकता है मराठी में अर्थ रहा हो केवल जीत, सफलता, लेकिन यश शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है। यश मतलब कीर्ति, समाज में इज्जत, समाज में कुछ बदलाव। मुझे लगता है मारुति भाई
92 में भी और अब 2012 में भी आपको यश मिला। यश जो गहरा यश, हम दिल्ली में खड़े होकर कह सकते हैं कि इस देश में कुछ लोग हैं जो राजनीति में हैं, चुनाव लड़ते हैं, सफल भी होते हैं और जो ईमानदारी से काम करते हैं। ये यश है समाज का, सबसे गहरे अर्थ में यश यही है। 50 साल बाद ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा, ये यश जो आपके काम का है ये बचा रहेगा। मैं समझता हूं कि राजनीति का जो काम है, राजनीति की सफलता और उसका यश तीन चीजों में है, और वो हमें बिना चुनाव जीते भी मिल सकता है जो लोग बदलना चाहते हैं। पहला, आप राजनीति का एजेंडा बदल सकते हो। आप ऐसे सवाल उठा सकते हो जिसको उठाने को कोई तैयार नहीं था। अगर आप आम जनता का, आम श्रमिक का, आम किसान का सवाल उठाओगे, आपको चुनाव में हराने के लिए बड़ी पार्टियों को वो सवाल उठाना पड़ेगा। चुनाव वो जीत जाएंगे, मुद्दा आपका जीत जाएगा। ये राजनीति में जीत है। जो चुनाव हार भी जाते हैं, छोटी पार्टियां होती हैं, चुनाव हार जाती हैं, लेकिन बड़ी पार्टियों के चुनाव के मुद्दे बदल देती हैं, उनका एजेंडा बदल देती हैं, ऐसे सवालों को सार्वजनिक जीवन में रख देती हैं जिसको कोई उठाना नहीं चाहता। चाहे वो शराब का सवाल हो, महिलाओं की असुरक्षा का सवाल हो, महिलाओं की असुरक्षा का सवाल पिछले 15-20 दिन में उठ गया देश में, लेकिन ये जो शराब का सवाल है, देश की हर महिला शराब से त्रस्त है। जिस दिन आप इस देश में महिलाओं का कोई इलेक्शन करवा लो और पूछो कि क्या एक क्या पांच चीजें आप इस देश में करना चाहती हैं, पीने का पानी की उपलब्धि और शराब को बंद करना महिलाएं हमेशा चाहती हैं, लेकिन कोई पार्टी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती क्योंकि कोई नेता नहीं उठाना चाहता इस मुद्दे को। आप अगर राजनीति करेंगे, एक नई किस्म की राजनीति करेंगे, एक पर्यायी राजनीति करेंगे, तो ये मुद्दा इस देश में उठ जाएगा, चाहे उस चुनाव में आप हार जाओ। पहली सफलता पर्यायी राजनीति की यह हो सकती है। आज से 2 महीना पहले रॉबर्ट वड्रा का सवाल कोई उठाने को तैयार नहीं था। ये जो रॉबर्ट वड्रा का सवाल हमने उठाया, नितिन गडकरी का सवाल उठाया, इसमें कुछ भी नई बात नहीं थी। दिल्ली के 5 संपादकों के पास रॉबर्ट वड्रा की पूरी फाइल उनकी टेबल पे पड़ी थी एक एक साल से। किसी संपादक की हिम्मत नहीं थी कि वो इस सवाल पे बोल सके। हमने कोई नई चीज नहीं की, हमने बस बोल दिया जो सच था। जैसे वो कहानी होती है कि राजा नंगा घूम रहा था, एक बच्चे ने बोल दिया कि ये तो राजा नंगा है। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने यही कहा राजा नंगा है, और फिर सबको हिम्मत आ गई, हाँ हाँ नंगा है, हाँ हाँ नंगा है, हाँ हाँ नंगा है। तो कोई छोटा सा भी जो प्लेयर होता है राजनीति, छोटी पार्टी हो, सच की बहुत ताकत होती है। जो सच बोलने की हिम्मत करता है वो राजनीति के एजेंडा को बदल सकता है। दूसरी बात, वो राजनीति के खेल के जो नियम है उसे बदल सकता है। आज ऐसा नहीं है कि सब पार्टियों में एकदम बेईमान कार्यकर्ता है, तमाम बड़ी पार्टियों में ईमानदार कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी होंगे, शिवसेना में भी होंगे, भाजपा में भी होंगे, लेकिन ये सब पार्टियां अपने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते। ईमानदार कार्यकर्ता को कहते हैं बहुत अच्छे कार्यकर्ता और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इलेक्शन में तो देखो पैसे का मामला है, अगली बार तुम्हें ट्राई करेंगे। ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते। अगर आप अगली बार चुनाव में खड़े हो जाओ और यहां ईमानदारी के सवाल को लेके चुनाव में खड़े हो जाओ, तो कांग्रेस को सुरेश कलमाडी को टिकट देने से पहले थोड़ा सोचना होगा कि नहीं नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा इससे, तो किसी और को टिकट दे देंगे। अगर खड़े हो जाएं, तो हर पार्टी को अपने ही थोड़े से ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट देनी पड़ेगी। चुनाव आप नहीं जीतोगे, चुनाव वही जीतेंगे, लेकिन राजनीति का चरित्र 2-4 डिग्री सुधर जाएगा। ये आप और मैं कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन बातों की बात कह रहा हूं जो आप और मैं कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। और तीसरी बात और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, अगर जितने हजारों महिलाएं पहली बार सड़क पे आई हैं पिछले 20 दिनों में, उनमें से एक दशांश 10%
को यदि आप राजनीति में ले आओ किसी तरह से, इस देश में महिलाओं की राजनीति का चरित्र बदल जाएगा। आपने गंदे नाले की बात कही, गंदे नाले की सफाई भी झाड़ू लगा के करनी होती है और फिर उसमें कुछ साफ पानी भी डालना पड़ता है ताकि कुछ फ्लो हो उसका। इस देश की राजनीति सड़ गई है, गंदा नाला है, सड़ गया है, रुका हुआ है, उसमें आपको साफ पानी डालने की जरूरत है। और वो साफ पानी तभी आएगा अगर आप आदर्शवादी युवकों और युवतियों के एक छोटे हिस्से को राजनीति में लाना शुरू करें। जब आप कहना शुरू करें कि तुम में बहुत प्रतिभा है, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, अगर ऐसा होना शुरू हो जाए, 10% आदर्शवादी, आदर्शवादी हर जनरेशन में होते हैं, ऐसा नहीं है कि आदर्शवादी आजकल नहीं है, आइडियलिस्ट यूथ पहले भी था, आजकल भी है। पहले आइडियलिस्ट यूथ नेशनल मूवमेंट में आता था, राष्ट्रीय आंदोलन में आता था, आजकल आइडियलिस्ट यूथ केवल पर्यावरण का कोई क्लब चलाता है अपने यहां, पौड़ पे पौधे को देखता है, पेड़ को देखता है, कोई कुत्ते को देखता है, अच्छे काम है, मेरा बुरा काम नहीं बताता, लेकिन वो अपने आंख के सामने गरीबी को नहीं देखता, अपने आंख के सामने अत्याचार को नहीं देखता, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं करता। अगर उस आइडियलिस्ट आदर्शवादी युवकों में से, युवकों युवतियों में से 10% को आप राजनीति में ले आओ, वो किसी भी पार्टी के साथ रहे। आपने देखा होगा मैं यहां आम आदमी पार्टी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूं, मैंने उस पार्टी का नाम भी नहीं लिया है। अगर आएंगे तो आम आदमी पार्टी के साथ शायद ना रहें, कहीं और चले जाएं, बहता हुआ पानी है किसी की जेब में थोड़ी टिकेगा, चला जाए। लेकिन इस देश की राजनीति साफ होगी, साफ सिर्फ गंदे पानी में छिछले में झाड़ू लगाने से नहीं होगी, कुछ साफ पानी डालना पड़ेगा। कहीं पे भी जाएं, कल को राष्ट्रवादी कांग्रेस में ही चले जाएं, कहीं तो साफ लोग जाएंगे, कहीं तो सफाई होगी। तो आप चुनाव जीते ना जीते राजनीति में आएंगे तो आप राजनीति के खेल के नियम बदल सकते हैं, उसका एजेंडा बदल सकते हैं, उसका चरित्र बदल सकते हैं। ये काम हम और आप कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, अपनी हिम्मत और संकल्प से कर सकते हैं। यही आह्वान लेके मैं आपके पास आया था, आपने इतने धीरज से मेरी बात सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया।